Good morning, student. How are you, children? Fine. Very good. आप सब तो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है? मैं शिमला शर्मा, योर हिंदी टीचर. ओके, फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक. ओके चिल्ड्रन, हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया. आई होप आप सब ने अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा, प्लस इसके साथ साथ आपका लर्निंग पोर्शन भी कंप्लीट होता जा रहा होगा. थोड़ा बहुत तो आप कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. सो टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर नंबर पेड़ पर स्कूल 4. चैप्टर 4 पेड़ पर स्कूल, पेज नंबर 21 निकाल लिया बेटा. गुड. अब देखो चैप्टर नंबर 4 पेड़ पर स्कूल. अजीब लग रहा होगा ना कि पेड़ पर भी कोई स्कूल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक कहानी है छोटी सी बच्ची की, ठीक है? उस बच्ची पर एक छोटी सी कहानी लिखी गई है, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका, ये जो शीर्षक है, ये चैप्टर का जो नाम है, ये कैसे रखा गया, ठीक है बेटा? तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ के बारे में, ठीक है? तो देखो सब अपनी अपनी पेंसिल रखना, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. ओके बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर क्षमा शर्मा द्वारा लिखित इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची मीनू के बारे में बताया गया है, ठीक है? यानी कि किसने लिखी ये कहानी? ये कहानी लिखी है डॉक्टर क्षमा शर्मा ने. और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? अब ये जो कहानी है पेड़ पर स्कूल, इसमें किसके बारे में बताया गया है? छोटी सी बच्ची मीनू के बारे में. आगे देखो, जो स्कूल में छुट्टियां होने के कारण हर समय घर में कुछ न कुछ करती रहती है. एक बार जब उसकी मौसी आई तो वह उनसे बातें करना चाहती है. मौसी उसे किस प्रकार हंसाती है, यही इस कहानी में बताया गया है. मींस आपकी भी छुट्टियां होती है, आप भी घर पे रहते हो, अभी आप घर में रह रहे हो कोविड की वजह से, तो छुट्टियां होती है तो आप भी घर पे कुछ ना कुछ करते रहते हो ना. उसी प्रकार से मीनू भी कुछ ना कुछ करती रहती थी. अब एक दिन क्या हुआ, उनके घर पे मौसी आई और वो उसकी मौसी से ढेर सारी बातें करना चाहती थी. तो मौसी किस प्रकार से उसे हंसाती है ना, उसकी उदासी दूर करती है, तो वही हम इसके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब स्टार्ट करें चैप्टर. देखो यहाँ है उम्र. उम्र थी उसकी 7 साल. अब यहाँ किसकी उम्र की बात हो रही है? मीनू की. मीनू की उम्र कितने साल की है? 7. घुंघराले बाल, काली आंखों और चमकीले दांतों वाली वह बच्ची बातचीत में सभी का दिल जीत लेती थी. उसका नाम था मीनू, ठीक है? समझ में आया बेटा कि मीनू कैसी थी? उसके घुंघराले बाल थे, काली काली आंखें थी, चमकीले दांत थे और उसकी एज थी 7 ईयर, ठीक है? नीचे देखो, छुट्टियों के दिन थे
इन दिनों बच्ची को ढेर से काम मिल गए थे। अब ये वो वाला काम नहीं है होमवर्क स्कूल का, एक्सेस काम है जो वो करती थी घर पे। अब कौन कौन से मिले, सचमुच ही ढेर से। जैसे कि जब मन आ जाए माँ की सारी साड़ियों को बाहर निकाल कर पहन पहन कर देखना, ठीक है, उनके पर्दे बनाना, उन्हें झंडों की तरह लहराना, ठीक है। तो क्या काम करती थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब उसका मन करता था ना तभी माँ की साड़ियों को निकालती, कभी उनको पहन के देखती, कभी उनके पर्दे बना देती और कभी उनको झंडे की तरह लहराना शुरू कर देती थी। ऐसे में यदि माँ की साड़ियाँ खराब हो जाती, यस नेक्स्ट पेज, हो जाती या उनकी तह बिगड़ जाती, तह का मतलब होता है समेट के रखना, ठीक है ना। तो जब सिमटी हुई साड़ियाँ जब बिगड़ जाती तो वह बेचारी नन्ही बच्ची क्या कर सकती थी, उसके तो छोटे छोटे हाथ पांव टहरे। अब साड़ी होती है 5-6 मीटर की, ठीक है, तो कोशिश वो ये करती कि वो जैसी भी है उसी हालत में वो काम कर ले। लेकिन यदि एक बार वो साड़ी की सिमटी हुई साड़ी अगर फैल जाती थी तो उस छोटी सी बच्ची से उन हाथों से वो उस साड़ी को समेट नहीं पाती थी। वह इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों को ठीक से कैसे रखती, नहीं समझ सकती ना, बिल्कुल। जब माँ साड़ी खराब करने के लिए उसे डांटती थी तो वह कहती कि माँ तुम आखिर यह क्यों नहीं सोचती कि मैं अपनी नन्नी नन्नी उंगलियों से इन बड़ी बड़ी साड़ियों की तह कैसे बना सकती हूँ। देखो उसने कितने अच्छे से अपनी मम्मी से कहा, जब माँ डांटती है कि तुम क्यों फैला देती हो मेरी साड़ियों को इनको, तो वो अपनी मम्मी से कहती है माँ आप ये तो देखो कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी छोटी छोटी उंगलियाँ हैं, तो इन छोटी छोटी उंगलियों से मैं इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों को कैसे तय करके समेट करके रख सकती हूँ। यह सुनकर माँ और भी नाराज हो जाती। वह कहती तू उन साड़ियों को छूती ही क्यों है। वो माँ फिर और गुस्सा करती और कहती कि क्या जरूरत है तुझे मेरी साड़ियों के हाथ लगाने की, क्यों हाथ लगाती हो तुम उनके। लेकिन बच्ची माँ को समझाती भी कैसे कि उन रंग बिरंगी साड़ियों को लहराकर वह उस बंद कमरे में रंग बिरंगे फूल खिलाती थी, झरने बहाती थी, चिड़ियों को बुलाती थी तथा पेड़ों पर झूले डालती थी। यानी कि वो अपनी मम्मी को समझा ही नहीं पा रही थी कि मैं आपकी साड़ियाँ क्यों निकालती हूँ। वो क्या करती थी, उन रंग बिरंगी माँ की साड़ियाँ कलरफुल थी सब, एक ऐसा तो था ही नहीं कि सारी साड़ियाँ एक ही रंग की एक जैसी थी, रंग बिरंगी साड़ियाँ थी, उनको वो पूरे कमरे में लहराती रहती थी, इधर बांधती उधर फैलाती, तो ऐसा लगता जैसे मानो पूरे कमरे में ही फूल खिल गए हों, झरने बह रहे हों, चिड़ियों को बुलाने के पेड़ों पर झूले डालती, मतलब कुछ ऐसा करती उन साड़ियों के साथ। तो वो उसकी फीलिंग्स को, उसके मन के भावों को वो अपनी मम्मी को समझा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। उसके मम्मी पापा जब तक काम से लौटते वह ऐसा ही करती रहती थी। यानी कि जो मीनू है उसके मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, ठीक है, काम पर जाते थे, और जब तक वो आते तब तक वो अपना मन कैसे बहलाती, अकेली तो होती थी तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के काम करती रहती थी। फिर और भी ढेर से काम होते थे, यानी इनके अलावा भी उसके पास ढेर सारे काम थे। वो काम कौन कौन से थे, जिन्हें वह खोज खोज कर जुटा लेती थी। यानी इतने एक्सेस काम और पड़े रहते थे तो वो सोचती रहती और ढूंढ ढूंढ करके उनको निकाल लेती कि अब मुझे क्या काम करना है, कौन सा काम करना है। अब उस उनमें कौन कौन से थे, जैसे
गुड़िया की चाय के सेट की सफाई करना, ठीक है, बर्तनों को मांजना, मांजना का मतलब होता है बेटा मिट्टी से रगड़ कर बर्तन साफ करना, राख होती है ना, मिट्टी होती है ना, उनसे रगड़ कर बर्तन मांजना, तो रगड़ कर उनको चमकाना वो कहलाता है मांजना, ठीक है। गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में डालना, फटे कपड़े सिलना, गुड़िया घर को सजाना और भी न जाने क्या क्या, ठीक है, ये सारे काम भी वो किया करती थी, ठीक है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, मीनू दौड़ी दौड़ी गई, उसने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी की सबसे प्यारी सहेली दीपा मौसी खड़ी थी। तो अब कौन आया उनके घर पे, किनके, मीनू के घर पे उसकी मम्मी की सबसे अच्छी फ्रेंड दीपा, दीपा मौसी। मीनू मौसी मौसी कहकर उनसे लिपट गई, दीपा मौसी और मम्मी बैठकर बातें करने लगी। अब मीनू का भी तो मन कर रहा था कि वह दीपा मौसी से ढेर सारी बातें करे। अब वो क्या हुआ, जैसे उनका वेलकम किया, स्वागत किया, वो अंदर आए बैठे, अब क्या था, मम्मी की दोस्त थी तो ऑब्वियसली मम्मी तो उनसे बातें करेंगी, तो दीपा मौसी और मम्मी बैठ करके दोनों बातें करना शुरू कर दिया। अब जो मीनू थी उसका भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी दीपा मौसी से, अपनी मौसी से ढेर सारी बातें करूं, तो वो क्या कर रही थी इसके लिए, इसलिए वो कभी चाय लाने के बहाने, कभी पानी देने के बहाने, कभी अपनी गुड़िया दिखाने के बहाने, तो कभी होमवर्क पूछने के बहाने वहां आती रही। यानी उस किसी न किसी बहाने से पानी पिलाने, चाय पिलाने, गुड़िया को दिखाने, होमवर्क पूछने के बहाने वो बार बार आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि उसका मन कर रहा था अपनी मौसी से बात करने का, ठीक है। उसकी बात सुनने के चक्कर में मम्मी की बात बार बार अधूरी रह जाती। अंत में खींच कर उन्होंने उसे डांटा, मीनू आज तो बस तुम बहुत ही तंग कर रही हो, हमें बात क्यों नहीं करने देती। फाइनली जब वो बार बार आ रही थी, उनको डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसकी मीनू की मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर के उसे डांटा और बोला कि क्या हो गया है, क्यों तंग कर रही हो, हमें बार बार आ रही हो, परेशान कर रही हो, हमें बात भी नहीं करने दे रही हो, तो क्या हो रहा है आज आपको, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मम्मी ने उसे डांटा। सो चिल्ड्रन, आज चैप्टर अभी आगे और भी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे करेंगे। आज आप क्या करने वाले हैं, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और हार्ड वर्ड को नोट डाउन करना है। समझ आ रहा है बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा है अपना, चैप्टर 4, याद रहेगा या भूल जाएंगे। आपको इस चैप्टर 4 रीड, या ऐसे लिख लो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आज का होमवर्क क्या रहेगा, रीड चैप्टर नंबर 4 HW, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे के लिए हम करेंगे, आगे जो चैप्टर है इसी को कंटिन्यू करना है ना, अभी अपना चैप्टर पूरा थोड़ी हुआ है। ओके चिल्ड्रन, सो हम आगे तब तक पढ़ेंगे, तब तक के लिए टिल देन गुड।